दोस्तों नमस्कार, मैं रामू सिंह। क्या करेंगे सिंधिया? सिंधिया को भाजपा ने यूं क्यों धोया? पहले ये कुर्सी भी ले लो, वो कुर्सी भी ले लो, ये भोपाल में बंगला भी दे दिया और अब एक टिकट भी नहीं दिया। शिखर से शून्य पर पहुंचा दिया एक ही झटके में भाजपा ने। यह भाजपा है यारो, संभल कर ज्वाइन करो। यहां भविष्य की योजना पहले बनती है, फैसले बाद में लिए जाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ भाजपा में गए। भाजपा ने अभी तक हर निर्णय में सिंधिया का दबाव माना, मगर अचानक नगरीय निकाय चुनाव में एक भी महापौर का टिकट सिंधिया खेमे को भाजपा ने नहीं दिया। इसके राजनीतिक मायने क्या हो सकते हैं? अंत तक ग्वालियर महापौर का फैसला भाजपा ने फंसा कर रखा और जब नाम घोषित हुआ तो नरेंद्र सिंह तोमर की अनुशंसा को पार्टी ने महत्व दिया। सबसे बड़ा सवाल, अब क्या करेंगे सिंधिया? सिंधिया खेमे में मायूस खलबली मची हुई है। अगर 2023 के विधानसभा चुनाव में सिंधिया खेमे को नहीं मिला महत्व, सिंधिया के सभी समर्थकों को नहीं मिला विधानसभा का टिकट, तो क्या होगा सिंधिया खेमे का भविष्य? कांग्रेस से नाराज तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया भी हुए थे, उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ी थी, अपना अलग राजनीतिक दल बनाया था और फिर कांग्रेस में सम्मान के साथ वापस हो लिए थे। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया से हुई बड़ी राजनीतिक भूल? एक भी सिंधिया समर्थक को उम्मीदवार न बनाना क्या भाजपा की सोची समझी रणनीति है? जानकारों की माने तो हर राजनीतिक दल को छोड़ने के बाद बड़े ओहदे तक दूसरे दल में पहुंचने वाले नेता आप लोगों को मिल जाते हैं, मिलते हैं, मगर भाजपा को छोड़ने वाले नेता राजनीतिक रूप से नहीं पनप पाते। क्यों? यह एक रिसर्च का, एक खोज का विषय होना चाहिए। ताजा उदाहरण, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद, सुब्रमण्य स्वामी, शंकर सिंह बघेला, एमपी के लक्ष्मीकांत शर्मा, राघव आपका यानी भाजपा का भाई, संजय जोशी, उमा भारती, या कुछ ऐसे नाम है जिनमें कुछ भाजपा छोड़ चुके हैं, कुछ हैं तो भाजपा में मगर वह कहीं नहीं है। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।